हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं जा रही हूँ किचन में बनाने दलिया। तो आज मैं दोपहर के लिए दलिया बनाने जा रही हूँ। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोग प्लीज़ फॉलो वॉच कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ, कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में मैंने डाल दिया है तेल और मैंने दलिया को धो लिया है। और ये दलिया है पतंजलि की। और यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं और सब्जियों में कुछ निकाल लिया है। मैं तेल में यहाँ डालूँगी सबसे पहले मिर्च को। और यहाँ सब्जियों में मैंने क्या क्या लिया, कद्दू, टमाटर, प्याज और यहाँ पर मैंने मसाले भी लिया है, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा दिया है चिकन मसाला और नमक। तो यहाँ पे मैंने मिर्च लाल हो चुका था तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल दिया है। और प्याज अब अच्छे से लाल हो जाएगा, प्याज और मिर्च वो अच्छे से लाल हो चुका है। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हम सब्जियों को डालेंगे। और तो सब्जियों को मैं जा रही हूँ डालने, तो मैंने यहाँ पे कद्दू डाला है। अगर आपके पास और भी सब्जी है तो आप और भी सब्जियों को डाल सकते हैं, जैसे कि गाजर डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को डाल दिया है और उसके बाद मैं साथ में टमाटर को भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट भून लूँगी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे अच्छे से चला दे रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मिर्च, टमाटर और उसके बाद इसमें मसाले भी ऐड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा कद्दू है, जिसे हम लोग यहाँ पे लौकी कहते हैं, हमारे यहाँ तो कद्दू कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे मसाला डाल दिया है और मैं यहाँ पे 2 मिनट इसे चला ले रही हूँ। तो ये देखिए, हमारा जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ धनिया पत्ती। तो मैंने यहाँ पे धनिया पत्ती डालने के बाद यहाँ पे दलिया डाल दिया। तो मैंने जो दलिया था वो डाल दिया और मैं इसे अच्छे तरह से 2-3 मिनट तक चला लूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये देखिए, मैं अच्छे से चला ले रही हूँ ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये बहुत मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, हमारा जो है वो अच्छे से भुन चुका है और ये नीचे सिकने लगा है। तो मैं यहाँ पे अब इसमें डालूँगी पानी। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। ये बिल्कुल आपको खीर या खिचड़ी की तरह लगता है। ये बनने के बाद आपको लगेगा जैसे कि ये खिचड़ी ही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अच्छे से पानी ऐड कर दूँगी और ये जो कद्दू है बिल्कुल गल जाएगा इसके साथ। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत पौष्टिक होता है। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है और मैंने इसे बिल्कुल कम तेल में मैंने बनाया है और मसाला भी मैंने अधिक नहीं लिया था। तो ये देखिए, और पानी देखिए, हमारा जो कलर है दलिया में कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इसको सीटी, कुकर की सीटी लगा दूँगी। तो यहाँ मैं जा रही हूँ कुकर की सीटी लगाने। तो ये रहा हमारा जो दलिया है, मैंने सीटी लगा दिया है। और तो ये देखिए कितने अच्छे से बन चुका है। और बनने के लिए कितना चाहिए, थोड़ा अगर आप पतली खाते तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए ताकि पतली हो जाए। ऐसे मैंने इस तरह से ठीक से बना रही हूँ और ये बिल्कुल खिचड़ी की तरह लग रहा है। और देखिए सब कितने अच्छे से गल चुका है। तो यही था हमारा दलिया। तो मैं इसमें थोड़ा सा, मुझे ये गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा पतली में करूँगी। तो ये देखिए, मैं जा रही हूँ पतली। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दलिया जो है बिल्कुल तैयार है। और ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। ऐसे आप इसमें और भी सब्जियाँ डालते तो बहुत टेस्टी लगती है, पर ये इसी तरह से बहुत सिंपल तरीके से भी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ अपने बेटे को देने। के बज रहे हैं 5, तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ। फ्रेंड्स, मैं हर घर से निकल चुकी हूँ तो मैं जा रही हूँ मार्केट। तो मैंने आपको बताया था कि मैं मार्केट जा रही हूँ। तो ये है बाहर का व्यू और अभी शाम के बज रहे हैं 5। तो देखिए मौसम कैसा किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अभी पैदल ही जा रहे थे और मैं जा रही थी अपनी बेटी के साथ। तो यहाँ पे मुझे लेने थे सैंडल, तो हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए रोड का व्यू, कितना अच्छा व्यू है। दोपहर
सुबह या दोपहर में जाने से बहुत धूप लग रहता है, तो इसलिए जाने में अच्छा। अभी का मौसम जो है बहुत अच्छा है, तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये जो अभी देख रहे टेंट लगी हुई है, तो यहीं पे हम लोग यहीं पे आए हैं सैंडल लेने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे चप्पलों की सेल भी लगी हुई है, तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे चप्पलों की बहुत सुंदर सुंदर सेल लगी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे चप्पलों की सेल लगी हुई है, और बच्चे के चप्पल जो है वो 50 में मिल रही थी, और बड़े लोगों की चप्पल 100 में मिल रही थी। तो वहाँ से निकल चुके हैं, और वहाँ पर मैंने सैंडल को देखा था, जो मुझे दुकान के अंदर से मुझे कोई सैंडल अच्छी नहीं लगी। और वहाँ पर बताया कि लॉकडाउन की वजह से इतना मांग नहीं आ पा रहा है, तो इतनी अच्छी अच्छी सैंडल नहीं थी। तो मैं जा रही हूँ दूसरे दुकान, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। और जो सेल वाले चप्पल थे मैंने वहाँ से नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे दुकान से लिया था। अच्छी नहीं है, तो खास करके दुर्गा पूजा के समय में। तो चलिए मैं जाती हूँ दूसरी दुकान। तो हम यहाँ पे आ गए हैं दूसरी दुकान, तो यहाँ पे भी सैंडल दिखा रहे हैं। तो ये देखिए कुछ सैंडल है, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई सैंडल अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मुझे यहाँ पे एक सैंडल पसंद आया, तो मैं वहाँ वही देख रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ये जो ब्लू वाली थी वही मुझे। तो आ गई हूँ मैं घर, और मैंने ले लिया है चप्पल। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने चप्पल ले लिया है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है चप्पल, तो मैं अभी चप्पल आपको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये है जो मैंने सैंडल ली है, तो ये मैंने सैंडल उस जो आपको दुकान में दूसरे दुकान ली थी वहाँ से मैंने ली है, तो वहाँ से मैंने ले लिया। और ये दो चप्पल और है, जो कि एक मेरी है और एक मेरी बेटी की है। तो ये वाला चप्पल जो है वो मैंने सेल से लिया था, जो आपको मैंने बताया था कि 100 रुपये में बिक रही थी। तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने ले लिया। और ये मेरी बेटी के लिए मैंने एक और चप्पल लिया है। तो ये देखिए भी अच्छी लग रही थी, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा मुझे ले दो, तो मैंने उसके लिए ले दिया। तो और ये मैंने दुकान से लिया है। तो चप्पल कैसी लग रही है प्लीज़ बताइएगा। बस मैंने यही तीन चप्पलों को लिया है, और ये ब्लू वाली चप्पल मुझे अच्छी लगी। ये थी कुछ चप्पलें जो मैंने ली थी। तो अगर ज़रा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का यही था ब्लॉग, तो मैं आज ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।